क्षेत्र आपको लिए चलते हैं जहां इस वक्त अरविंद केजरीवाल सभा को संबोधित कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के 400 बच्चों का बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ, बड़े बड़े हमारे दिल्ली के अब गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। एक और बच्चा है कुशाल गर्ग, शास्त्री पार्क में रहता है, उसके पिताजी कार्डबोर्ड की कंपनी में मजदूरी करते हैं, 11,000 रुपए महीना तनख्वाह कमाते हैं। उनके बेटे का एडमिशन इस बार ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में हुआ है, देश का सबसे बड़ा ऑल इंडिया मेडिकल, तो सबसे बड़ा है ऑल इंडिया मेडिकल में उसके बच्चे का एडमिशन हुआ है। मैं इनसे बात कर रहा था, बोले जी आज से 5 साल पहले जो सरकारी स्कूलों की हालत थी, अगर वैसी हालत रहती हमारे बच्चे भी बड़े होके मजदूरी करते। ये तो बोले केजरीवाल जी आपका धन्यवाद जो आपने स्कूल इतने शानदार कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गरीबों के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, गरीबों के बच्चे कमजोर नहीं होते, ये तो माँ बाप के पास साधन नहीं होते, सरकारें कुछ करती नहीं है, इसलिए गरीब का बच्चा बड़ा होकर गरीब रह जाता है। आज दिल्ली के अंदर आप सोच के देखो कितने ऐसे शुभम होंगे, कितने ऐसे कुशाल गर्ग होंगे, लाखों बच्चे दिल्ली के स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य पहले अंधकार में था, ऐसे ही लाखों बच्चों का भविष्य हरियाणा के अंदर अंधकार में है। हरियाणा के अंदर भी स्कूलों का बुरा हाल है। एक मौका दे दो, हरियाणा के सारे सरकारी स्कूल बदल के दिखा दूंगा मैं, एक मौका दे दो। दिल्ली में करके आया हूं, हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके आया हूं, हरियाणा के भी सारे स्कूल बदल दूंगा। गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिलना चालू होगा, गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। और ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं सारे खराब नहीं है, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, मचा रखी है कि नहीं मचा रखी। जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, कभी कहेंगे डेवलपमेंट चार्ज, पिकनिक चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, फलाना चार्ज, ढिमका चार्ज। दिल्ली में 7 साल से हमने इनको प्राइवेट वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी, उल्टे इनका सबको ऑडिट कराया, कई लोगों को पैसे वापस कराए हैं प्राइवेट स्कूल वालों से, कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। तो आज इतने सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन कौन अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, कौन कौन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, कौन कौन अपने बच्चों को वकील बनाना चाहता है, सारे जने हमारे साथ आ जाओ। और जो जो लोग अपने बच्चों को गुंडा बनाना चाहते हैं हाथ खड़े करो, जो जो अपने बच्चों को दंगई बनाना चाहते हैं, गुंडे बनाना चाहते हैं, बलात्कारी बनाना चाहते हैं, उनके साथ चले जाओ। उनकी पार्टी सारे, इनकी पार्टी में लुच्चे, लफंगे, दंगई, बलात्कारी सारे भरे पड़े हैं इनकी पार्टी के अंदर। सुबह से शाम तक गुंडागर्दी करते घूमते हैं, या तो ये खुद गुंडागर्दी करते हैं, नहीं तो देश में पता चल जाए कहीं गुंडागर्दी हो गई उनका जाके सम्मान करते हैं, गुंडों का सम्मान करते हैं, दंगा करने वालों का सम्मान करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुछ गुंडों ने मेरे घर पे हमला कर दिया, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, टीवी में देखा होगा, कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, इन्होंने उन सारे गुंडों का अगले दिन सम्मान करा। ऐसे देश आगे बढ़ेगा? किसानों के ऊपर इनके आदमियों ने गाड़ी चढ़ा दी उत्तर प्रदेश के अंदर, इनकी पूरी की पूरी पार्टी ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए उसको बचाने के लिए जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। देश में कहीं बलात्कार हो जाए, देश में कहीं बलात्कार हो जाए, इनकी पार्टी पहुंच जाती है बलात्कारियों का सम्मान करने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए। आप क्या सुनते हो इनके बारे में? यही सुनते हो इन्होंने यहां दंगा कर दिया, यहां मारपीट कर दी, यहां गुंडई कर दिया। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सुनते हो? यहां पे इन्होंने स्कूल बना दिया, यहां अस्पताल बना दिया, यहां बिजली ठीक कर दी, यहां पानी ठीक कर दिया, यहां सड़कें ठीक कर। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम देश की सोचते हैं, हम इनकी तरह गुंडागर्दी नहीं करते। अमेरिका में कोई गुंडागर्दी कर दे
तो वो जेल जाता है। इंडिया में कोई गुंडागर्दी कर दे तो इनकी पार्टी में जाता है। यूरोप में कोई बलात्कार करे तो वो जेल जाता है। इंडिया में कोई बलात्कार करे तो इनकी पार्टी में जाता है। कैसा भारत चाहते हो आप लोग? गुंडों का भारत चाहते हो, दंगइयों का भारत चाहते हो, कि विकास और तरक्की वाला भारत चाहते हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 7 साल हो गए अब खट्टर साहब को सरकार चलाते, 7 साल से खट्टर साहब की सरकार है। खट्टर साहब ने कितनी नौकरियां दी आप लोगों को? हरियाणा के बच्चों को कितनी नौकरियां दी खट्टर साहब ने? मैंने दिल्ली में पिछले 7 साल में 12 लाख नौकरियां दी है, 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी। मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरी दी, और मैं हवा में नहीं बात कर रहा, वेबसाइट पे पूरा डेटा पड़ा है, हमारी वेबसाइट पे चले जाना, वेबसाइट पे सारा डेटा है। मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, और अगले 5 साल में 20 लाख बच्चों को नौकरी देने का पूरा प्लान बनाया है। मैं नौकरी दे सकता हूं, ये नहीं दे सकते, ये कभी यही नौकरी नहीं देंगे आपको, ये कभी आपके बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी पार्टी के लिए बेरोजगार गुंडों की जरूरत है। आपके बच्चों को दंगा कराना सिखाएंगे, गुंडई करना सिखाएंगे, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए ये लोग। अभी मेरे को एक भाई बता रहा था, हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते हैं, जितने भर्तियों के पेपर होते हैं सारे लीक, ऐसा है क्या जी? ये मेरे को एक लिस्ट दी है एक भाई ने, ये 2020 में HSC जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर लीक हो गया, 2020 में हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2021 में पेपर पुलिस भर्ती का फेयर पेपर लीक हो गया, 2021 में कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग का पेपर लीक हो गया, 2022 में HSSC पद की भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ग्राम सचिव और पटवारी की भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही TGT भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही डेंटल सर्जन की भर्ती का पेपर। खट्टर साहब आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते सरकार क्या चलाओगे? होने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और मिशन 2024 की तैयारी में अभी से केजरीवाल जो कि यहां पर अपनी पैठ बढ़ाने के मिशन पर नजर आ रहे थे और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते नजर आए, हरियाणा के विकास को अपना यहां पर रोडमैप बनाया, विजन बनाया। बहरहाल अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे लेकिन